नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट किया पेश। एसएसपी स्कैम को लेकर छात्रों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ बठिंडी में लोगों ने किया प्रदर्शन। और अखनूर से कठुआ तक की सीमांत बेल्ट बनी प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा जगह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट में सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए ऐलान किया कि अब 7 लाख रुपये तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि पहले ये सीमा 5 लाख रुपए की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिगरेट महंगी हो जाएगी। इसके अलावा भी अन्य कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई। यूथ अगेंस्ट करप्शन द्वारा आज JKSSB के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब SSB को पता था कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो इस कंपनी को टेंडर देकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। इस मामले में नाराजगी जताते हुए इंसाफ की मांग की गई। जब भी देखो तो एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को लाते हैं पेपर कंडक्ट करवाने के लिए। पहले एक मैरी ट्रैक कंपनी को लाया, वो भी ब्लैकलिस्ट थी। पेपर एडवर्टाइजमेंट बाद में आती है, बिक पहले ही जाती है। इनको शर्म तो है नहीं है, अब बच्चों ने तो लड़ना ही है। दूसरी बार भी इनको बोला कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को नहीं लाना है। हमारे भाइयों ने इनके ऑफिस में जाके एड्रेस किया था इनको कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को नहीं लाओ, फिर भी ये कोर्ट में जाके ब्लैकलिस्ट कंपनी को डिफेंड करते हैं। बच्चे करें तो क्या करें, ये जानबूझ के यूथ को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। इन्होंने नौकरियाँ तो देनी नहीं है। एलजी साहब का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ ये बेटी को पढ़ा तो रहे हैं। मुझे तो लगता है अपनी ही बेटियों को पढ़ा रहे हैं, अपनी बेटियों को बचा रहे हैं। हमें तो उन्होंने सड़कों में ला के रख दिया है, शर्म तो इनको है नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का बुरा हाल है, जितने भी मिनिस्टर है कोई आवाज़ तो उठा नहीं रहा है। सारी ओपोजिशन पता नहीं कहाँ है, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। और जो एक्स चेयरमैन थे वो बोलते थे मैरिट किसी का लिहाज नहीं करता। कौन सा मैरिट, सब तो पिक गया इधर। मैरिट तो कोई इधर नाम है नहीं है। अगर एडवर्टाइजमेंट निकालनी है, अगर बेचना पैसों में पेपर, तो उसमें नाम भी लिख दिया करो 25 लाख। जम्मू शहर के बाहरी इलाके सुंजवा बठिंडी में सैकड़ों लोगों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे हटाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने इस अभियान के खिलाफ तिरंगे लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। अधिकारियों ने क्षेत्र में उल्लंघनकर्ताओं को सार्वजनिक नोटिस दिया है और उन्हें 7 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के खिलाफ लोगों ने आज एक दिन के लिए दुकानें बंद रखी। इसमें ये जितनी भी बबल गाज आई है निकालें, ये चूड़ियाँ हमारे नहीं होंगी। हमने कूपन बांधा हुआ है, ये हमें अमेरिकी बंद होगी। तो इस वक्त जब ये खबर मेरे भाई ने सुनी, वही कमरे थे उसके पास, फिर 2 कमरे थे ये, तो उनको जिस वक्त सुना उसी वक्त हार्ट अटैक हो गया। गिर और वन साइड लेफ्ट साइड उनकी पैरालिसिस हो गई है। और हम भी साले तक 4 आदमी पीर पंजाल में सोनकोट में मेंडर में गुसाई में मार गए। जो लोगों को नोटिस मिले वहीं। जम्मू की सीमांत धरती परिंदों के लिए खूब है। तवी, चिनाब नदी, बसंतर नाला व नहरों का पानी जो कि निचले क्षेत्र की भूमि को नम कर जाता है, यही परिंदों को अपनी ओर बुलाता है। यही कारण है कि हर साल सर्दियों से दूर दूर से प्रवासी पक्षी सीमांत तक क्षेत्रों में पहुंचते हैं और सर्दियों पर समय बताते हैं। चूंकि भूमि नम रहती है, इसलिए कई प्रकार के कीट भी मिट्टी में पनपते हैं जो कि पक्षियों के लिए आहार हैं। वहीं इस भूमि में ऐसी ऐसी घास फूस पनपती है जो परिंदों का आहार बनती है। इसलिए अखनूर से लेकर कठुआ तक की सीमांत बेल्ट के कई तराई हिस्से प्रवासी पक्षियों के लिए पसंदीदा स्थल बन गए हैं। इन स्थानों पर नायाब परिंदे भी सर्दियां गुजारने के लिए पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि अब सरकार प्राकृतिक ऐसे स्थलों को संरक्षित करने में लगी हुई है। सीमांत क्षेत्र में स्थित घराना वेटलैंड को सुरक्षित किया जा रहा है, वहीं अब प्रगवाल वेटलैंड पर भी सरकार की नज़र है। JNK स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट ने आज लोगों को विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करने के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता मुख्य तौर पर मौजूद थे। वॉकथॉन में विभिन्न कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें विभाग के अलग अलग कर्मचारी थे और लोगों को GST टैक्स
व अन्य कई मुद्दों पर जागरूक किया गया। अरुण कुमार मेहता ने विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की। लोग अच्छे टैक्स पेयर बने और अपने सर्विसेज का अधिकार से लें और ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जिससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो सबके लिए अच्छा संदेश है, सबको टैक्स पे करना चाहिए और एक अच्छा सिटीजन बनना। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की पर्त दर पर्त होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, पीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रामबन के SHO सहित 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भारत छोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के कारण SP रामबन ने ये आदेश जारी किया है। SP मोहिता शर्मा के आदेशानुसार पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज मुख्यालय बटोत की सूचना पर SHO रामबन संदीप चाड़क, PSI मुदस्सिर अहमद और कांस्टेबल मुफशिर अहमद को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। SDPO गूल निहार रंजन को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1 सप्ताह के भीतर वह मामले की रिपोर्ट सौंपेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। पूर्व मंत्री पीरजदा मोहम्मद सईद, एक पुलिस अधिकारी और होटल व्यवसायी से करीब 52 कनाल सरकारी भूमि खाली कराई गई। बुलडोजर से इसमें बनाए गए ढांचे गिराए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि अनंतनाग जिले के दहमल खोशीपोरा इलाके में पूर्व मंत्री के आवास की 4 दीवारी और 1 सुरक्षा बंकर को गिराया गया। अनंतनाग के ही मट्टन इलाके में पुलिस उप महानिरीक्षक रैंक के एक अधिकारी के परिवार से नाम पर बगीचे की जमीन भी खाली कराई गई। इन दोनों कार्रवाइयों में 12.5 कनाल भूमि वापस ली गई। इस पर बनी दुकानें वाली 3 इमारतों को भी सील कर दिया गया है। दमहल के नायर तहसीलदार मोहम्मद यासीन ने कहा कि पूर्व मंत्री सैयद ने राज्य भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। लद्दाख के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण की मांग को लेकर यलवाजू अनशन पर बैठे सोनम बांगचुक को ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने खुलकर समर्थन दिया। लद्दाख से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर संघर्षरत दोनों शीर्ष संगठनों के प्रतिनिधियों ने सोनम बांगचुक से मुलाकात की। दोनों संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख के परिसर में सोनम वांगचुक को खतक बेंटकर सम्मानित किया। सोमवार को उनके अनशन का अंतिम दिन है। अपेक्स बॉडी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद युप्तसन शिवांग सोनम से मुलाकात के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने कहा, लद्दाख के लिए संघर्षरत सोनम ने समाज और देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से मुद्दे को उठाया है, जिसे लेकर प्रशासन को अलोकतांत्रिक तरीके से पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए। रामबन प्रशासन ने बुधवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले यात्रियों को सड़क के दोनों ओर पत्थरबाजी के बाद यातायात सलाह का पालन करने की सलाह दी। रामबन के उपायुक्त मुसरत जिया ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर रामपदी बनिहाल के पास एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। लोगों को यातायात मुख्यालय की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है। बीच रास्ते में पत्थरों के बड़े बड़े बुलडोजर फंसे देखे गए, जिससे यातायात बाधित हुआ। हालांकि पत्थरों को हटाने के लिए प्रयास जारी है। इससे पहले सोमवार को रामबन जिले के पंथियाल में भारी बारिश और पत्थर गिरने के कारण राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था। रामबन के उपायुक्त ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पंथियाल रामबन में पत्थर गिरने की तीव्रता बढ़ जाती है, जो अवरुद्ध रहता है। अधिक अपडेट के लिए अभी प्रतीक्षा है। यात्रा करना अत्यधिक अनुचित है। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला।
जेम ऑप्टिशियंस त्रिकुटा नगर।